हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी क्रेविंग्स। आज काफ़ी समय के बाद मैं आप सबके लिए एक नॉनवेज रेसिपी लेके आई हूँ और जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है कोल्हापुरी चिकन। बड़े ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं घर में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है एक किलो चिकन और इसको हमने अच्छे से धो के इसका जो पानी था वो पूरा वॉश आउट कर लिया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। और अब हम इसको सबसे पहले मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए मैं डालूंगी इसके अंदर एक नींबू का रस। एक नींबू का रस हमने अच्छे से डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट और साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, एक छोटी चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन मसाला, एक छोटी चम्मच ये है कश्मीरी मिर्च। आप कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च यूज़ कर सकते हैं, ये इससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। और एक छोटी चम्मच मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर। और इसके बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और उससे पहले मैं यहाँ पे डाल दूँगी, ये मैंने करीब 300 ग्राम हंग कर्ड ली है। ये आप नॉर्मल दही है जो आपको घर में आप दही जमाते हैं वो, या पैकेट वाली कोई सी भी दही जिसको आप एक कपड़े में छान के रख लें दो या तीन घंटे, उसका पानी निकल जाता है वो है ये। आपको इसको जो ये हंकर्ड है ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसको अवॉइड करना चाहें तो आप इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन डालने से काफ़ी अच्छा इसमें टेक्स्चर आ जाता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम ताकि जो सारे मसाले हैं इसके साथ मिक्स हो जाएं। तो चिकन को मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है हंकर्ड और लेमन और मसालों के साथ और अब मैं इसे ढक के मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए और इसे हम रख देंगे रेफ्रिजरेटर में। तो जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक चम्मच जीरा, 8-10 दाने काली मिर्च के, 2 से 3 स्टिक दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 2 चाट लौंग और 1 चम्मच मैंने लिया है साबुत धनिया। और अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और ये सारे मसाले जो हमने लिए थे ये हम इसके अंदर डाल के इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। ये हमने इसके अंदर डाल दिए और अब हम इन्हें थोड़ा सा भून लेते हैं। लगभग 1-2 मिनट में ये भून जाएंगे और जैसे ही इसकी भुनने की खुशबू आ जाएगी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं और इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ज़्यादा नहीं हमें इसे ब्लैक करना है वरना इनका जो फ्लेवर है वो बहुत कड़वा हो जाता है। तो मसालों को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब इसी सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा मसाला, जैसे कि ये थोड़ा सा 2 चम्मच हमने सफ़ेद तिल लिया है, 2-3 चम्मच मैंने ये ड्राई कोकोनट है, आप इसकी जगह पे फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने ड्राई यूज़ किया है, और ये 3-4 लाल मिर्च जिसके कि मैंने बीज निकाल दिए हैं, और ये 2-4 हरी इलायची ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी हम हल्का सा इसमें भून लेंगे। जो ये कोकोनट है और जो तिल है इनका एक अच्छा सा कलर आ जाए इसमें गोल्डन सा, तब तक हम इसे भूनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे तिल हैं और नारियल हैं अच्छे से भून गए हैं, एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे भी हम एक प्लेट में ठंडा करने के लिए निकाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे 2 टाइप के मसाले ड्राई रोस्ट होकर रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले जिसमें हमने धनिया जीरा और खड़े मसाले यूज़ किए थे इसको मिक्सी में हम इसका एक बारीक पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो खड़े मसाले हमने भुने थे उसका ये दरदरा सा पाउडर हमने बना के रेडी कर लिया है और अभी उसी मिक्सर जार में हमने जो ये नारियल जो भुना था वो हम डाल लेते हैं। ये जो नारियल तेल और जो लाल मिर्च वगैरह थी ये हम इसके अंदर डाल देंगे, इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है जो कि इसको बहुत ही टेस्टी बना देता है। ये हमने इसके अंदर डाल दिया। इसके साथ ही मैं इसमें 2 चीज़ें और डालूंगी, वो है ये 8 से 10 काजू और ये 4 से 6 हम लाल मिर्च है जिसको कि मैंने 2 घंटे के लिए भिगा के रख दिया था, इसके मैंने बीज निकाल दिए थे ताकि थोड़ा सा तीखापन कम हो जाए। तो ये काजू ये हम इसके अंदर डाल देंगे, इसका एक स्मूथ पेस्ट हमको रेडी करना है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप मिर्च के बीज इसी में छोड़ सकते हैं, इनको मैंने तोड़ दिया था ताकि इसका जो कलर है वो सिर्फ आए। इस पानी को हम फेंक देंगे और थोड़ा सा पानी, नॉर्मल पानी हम इसके अंदर डाल के
इसका एक स्मूथ सा पेस्ट हम इसका रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा एक पेस्ट बन के रेडी हो गया है। तो चलिए अब चिकन को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो मैंने वही कढ़ाई ली है, गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डालूंगी 4 चम्मच तेल। तेल हल्का सा ज़्यादा लगता है इसमें, तो तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं अच्छे से। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, कोशिश करें कि मस्टर्ड ऑयल लें। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 तेज पत्ते। गैस की फ्लेम हमारी मीडियम है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें आधा प्याज। इसका भी क्या रीज़न है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। आधा प्याज मैंने काट के डाला है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च। ये मैंने इसलिए डाली है ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। जैसे ही कश्मीरी मिर्च गई, इसके अंदर हम अपना चिकन डाल देंगे अच्छे फटाफट से। और चिकन डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, और अब मैं आपको बताती हूँ कि वो आधी प्याज जो मैंने काट के डाली थी वो इसलिए डाली थी क्योंकि अगर हम डायरेक्ट तेल में लाल मिर्च डालते हैं, जो कलर के लिए हम डालते हैं देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च, अगर डायरेक्ट तेल में डालते हैं तो वो जल जाती है और उसका जो ये कलर है ना, ये वाला कलर नहीं आ पाता है। इसलिए जब भी आप डायरेक्ट कलर चाहें तो कुछ ना कुछ इसमें डाल दें, चाहे आप जीरा डाल दें या प्याज डाल दें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर चुके हैं और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये जो खड़े मसाले के जो हमने पीसे थे, इसका पाउडर मैं इसके साथ डाल दूँगी। इसको हम मिक्स कर लेंगे दोबारा से। और अब हम इसे ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में आप चेक करते रहें कि मसाला जले ना। तो अब हम इसका ढक्कन हटा के देख लेते हैं और थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे तो हमने इसको मैरिनेट करते समय भी डाला था, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे और डाल देंगे 1 चम्मच के करीब, ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए। और यहाँ पे अब हम डालेंगे इसका जो ये पेस्ट हमने बना के रेडी किया था, नारियल और मिर्च और काजू का ये पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसको भी हम इसके साथ मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हमारी यहाँ पे मीडियम है और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे दोबारा पकने के लिए छोड़ देते हैं ढक्कन लगा के। और जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा है, तब तक हम एक दूसरी कढ़ाई में प्याज वगैरह भून लेते हैं। इसलिए मैंने डाला है इसमें 2 चम्मच तेल। इसे गर्म कर लेते हैं। और जब तक तेल गर्म हो रहा है, हम मीडियम साइज़ के 3 प्याज को बारीक ग्रेट कर लेंगे। हमारा गर्म हो गया, इसमें मैं डाल देती हूँ ये प्याज। इसको हम भून लेंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। ये प्याज हमारा भून गया है और यहाँ पे मैं 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। मिर्च मैंने 2-3 बार इसलिए डाली है क्योंकि हरी मिर्च का यूज़ मैंने बिल्कुल नहीं किया है इसमें। तो और वैसे भी ये मिर्च सिर्फ कलर देती है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और हम इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। और अब हम इसमें डालते हैं अपने बाकी के मसाले। सबसे पहले मैं डाल दूँगी इसमें नमक स्वाद के अनुसार। नमक आप इस हिसाब से डालें कि आपने जो चिकन था उसमें भी डाला था। 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हमने डाला है इसमें चिकन मसाला। और अब हम इसे थोड़ा पकने देते हैं जब तक कि ये अच्छे से मसाले भुन जाएं। तो आप देख सकते हैं कि किनारों पे देखिए तेल छोड़ने लग गया है। हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और ये देखिए हमारा मसाला बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब हम इसको साइड निकाल लेते हैं और जो कढ़ाई हमने जिसमें हम चिकन पका रहे थे उसकी तरफ चलते हैं। ये चिकन हमारा ऑलमोस्ट पक चुका है। एक बार इसको हिला लेते हैं थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं कि चिकन जो है हमारा ऑलमोस्ट पका हुआ है क्योंकि मैरिनेटेड चिकन जो होता है वो वैसे भी
जल्दी पक जाता है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपना ये जो प्याज मसाला, टमाटर का जो हमने मसाला बनाया था, ये मसाला मैं इसके डाल दूंगी। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारा टाइम है वो सेव हो जाता है, फटाफट से बन जाता है। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इसकी ग्रेवी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको थिक चाहिए तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, और अगर आप चावल के साथ खाना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये पानी हमने मसालों का जो बचा हुआ था वो यूज़ कर लिया है। बस अब हम इसे धीमी आंच पे 5 मिनट के सिर्फ पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा के देख लेते हैं। देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर इसके अंदर आया है। और ये देखिए हमारा चिकन पूरी तरह से पक चुका है, ग्रेवी भी बहुत रिच बनी है। और हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल बन के रेडी है। आप इसे रोटी, नान या स्टीम राइस किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है क्रेजी क्रेविंग्स। और बने रहिए मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।